हाय भाई लोग, क्या है ना कि आज मैं योगिनी स्थान जा रहा हूँ। ये गोड्डा डिस्ट्रिक्ट के पथरगामा के जस्ट थोड़ा सा मतलब बगल में है और हमारे घर से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पे ये योगिनी माता का जो मंदिर है और मतलब सैकड़ों वर्ष यहाँ पे पुराना है। और यहाँ पे दो पहाड़ हैं और दोनों की अलग अलग गुफाएं हैं। तो अभी आज हम वहाँ जाएंगे और फिर हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे मतलब कितनी सीढ़ियाँ हैं। वैसे तकरीबन 305 सीढ़ियाँ हैं और फिर हम लोग गुफा के अंदर भी जाएंगे तो हम आपको वो भी दिखाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। हाय भाई लोग, गुड इवनिंग। और क्या है ना कि आज मैं यहाँ पे योगिनी माता के मंदिर में आया हूँ और यहाँ पे करीब 305 सीढ़ियाँ हैं। और ये मेरे मामा श्री हैं और यहाँ पे ना एक गुफा है तो हम लोग उसके अंदर भी जाएंगे। और यहाँ पे वैसे पूजा होता है, कोई लोग आते हैं तो। और ये शायद पाइपलाइन पानी के लिए है। और यहाँ पे विश्राम करने के लिए अगर चढ़ते हुए कोई लोग थक जाए तो। और ये ऊपर से नीचे का व्यू है, मतलब वो जो वहाँ पे जो रोड दिख रही है और ये ऊपर। लेकिन अब हम इतने मोटे तो है नहीं कि हमें मतलब इतनी थोड़ी सी चढ़ने के बाद आराम करने की ज़रूरत पड़े, तो हम यहाँ पे रुकेंगे नहीं। और टाइम भी वैसे ज़्यादा हो गया है तो अभी हम लोग ऊपर जाएंगे और इस वाले पहाड़ से फिर दूसरे पहाड़ पर जाएंगे। यहाँ पे मतलब बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं और ये वाला जो गुफा था मतलब पहले खोजा गया था। और हम जो दूसरी पहाड़ पे जाएंगे तो वो वाला गुफा मतलब बाद में खोजा गया था। और यहाँ पे ये है दूसरा आराम करने वाला, मतलब बनाने वाले ने लोगों का अच्छे से ख्याल रखा है। और भाई लोग, हम लोग इतनी सीढ़ी चढ़ने के बाद बस और थोड़ा दूर रह गया है, फिर हम लोग गुफा में जाएंगे। और गुफा में जाने के बाद फिर आपको ये जो सामने वाली जो पहाड़ दिख रही है तो फिर वहाँ पे जाएंगे। तो अभी हम ये इस वाले में अंदर जाते हैं। तो भाई लोग, ये मतलब यहाँ पे गुफा है तो हम लोग अभी गुफा के अंदर जाएंगे। वैसे ये देखने में मतलब काफ़ी छोटी लगती है मतलब इसकी गुफा, लेकिन आप इसके अंदर मोटे से मोटे लोग भी मतलब इजीली जा सकते हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप इसके अंदर घुसोगे तो आपको चोट लग जाएगी या फिर मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बस थोड़ा सा इधर झुककर और ध्यान से जाना होता है, बाकी मतलब किसी को आज तक कभी चोट नहीं लगा है। तो मैं मतलब तकरीबन 3-4 बार आ चुका हूँ तो मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा है। मैं बस सेफली अंदर चला जाता हूँ और आ भी जाता हूँ और कुछ मतलब कोई नुकसान नहीं होता है क्योंकि कुछ तो है अंदर में देवीय शक्ति जैसी। तो भाई लोग, अभी हम गुफा में आ गए हैं और अभी हमें और थोड़ा सा ये नीचे जाना है। तो अभी हम लोग नीचे जाएंगे। दरअसल जो गुफा है तो वो काफ़ी चढ़ाव उतार वाली है, तो मतलब आपको ऐसा फील होगा कि पहले आप अंदर जाके ऊपर चढ़ रहे हो और फिर आप नीचे आ रहे हो। और ये पहाड़ है और चट्टाने हैं बड़ी बड़ी, तो शायद इसका सेप ही वैसा हो। और क्या है ना कि ये मतलब इतनी अंदर में जो है तो यहाँ के जो कुछ लोग थे तो उनको स्वप्न में आई हुई थी माता, तो फिर उन लोगों ने इस जगह को खोजा था। तो अभी हम लोग सेफली मतलब गुफा में अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे मतलब काफ़ी अब रिलैक्स जैसा फील हो रहा है क्योंकि यहाँ पे खुली है तो उधर से हवाएं भी आ रही हैं। और हम लोग माता के स्थान पे आ चुके हैं, अब हम लोग यहाँ से प्रणाम करेंगे और फिर यहाँ से वापस जाएंगे। तो ये है योगिनी माता। तो भाई लोग, अभी हम यहाँ पे आ गए हैं गुफा में और ये है देवी का स्थान है इधर। और ये पूरा गुफा है और नीचे का, और ये नीचे का व्यू है, मतलब नीचे उधर थोड़ा गड्ढा है और ये इधर ऊपर, मतलब धूप की वजह से साफ नहीं आ रहा है अभी। और लोग यहाँ पे अपनी मन्नतें मांगते हैं और धागा बांधते हैं और लोग चुनरी भी चढ़ाते हैं। तो भाई लोग, हम प्रणाम कर लिए, अब हम लोग यहाँ से घर जाएंगे मतलब दूसरे वाले गुफा में। तो फिर अभी हम चलते हैं।
तो अब हम लोग जैसे आए थे बिल्कुल वैसे ही मतलब धीरे धीरे वापस चले जाएंगे। और मतलब थोड़ा सा घुसने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो सकता है, मैं भी किसी को, लेकिन मुझे तो नहीं हुआ। और जाना ऐसे ईजी है, क्या है ना कि जो मुख्य द्वार है तो वहाँ पे थोड़ा सा सांकरी है, तो मतलब घुसना और वहाँ से निकलना थोड़ा सा टफ होता है। वैसे घुस सभी लोग जाते हैं। और ये ऊपर का व्यू है, तो मतलब बच्चे लोग बैठते होंगे मे भी। तो अभी ये नीचे है तो हम यहाँ पे जाएंगे। तो भाई लोग अभी हम गुफा के मिडिल वाले पार्ट में हैं और फिर यहाँ से नीचे होकर मतलब बाहर आ जाएंगे। और हमारे साथ में कैमरामैन हमारे मामा श्री हैं। अभी हम मेन द्वार के पास पहुंच गए हैं और क्या है ना कि यहाँ पे थोड़ा सा निकलने में थोड़ी सी टफ होती है, तो और अंदर में अंधेरा भी रहता है। तो मामा वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो उसमें फ्लैश लाइट भी जल रही है, तो उससे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और मैं ये बाहर निकलने वाला हूँ और हम फिर मोबाइल ले लेंगे और फिर हमारे मामा जी निकलेंगे। शायद मामा को खींच कर ना निकालना पड़े। तो भाई लोग आप देख सकते हैं मतलब इतनी साकरी है, फिर भी मतलब मोटे से मोटे लोग भी चले जाते हैं इसके अंदर। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरे मामा श्री मुझसे पतले ही हैं। तो हम लोग भाई अब मतलब अच्छे से बाहर अब हम लोग आ गए। और अभी हम लोग जैसे 2-4 मिनट रेस्ट करेंगे मतलब यहीं पे बैठ के, और फिर वो सामने वाला पहाड़ पे जाएंगे। तो भाई लोग अभी हम लोग जैसे नीचे जा रहे हैं और फिर यहाँ से उतर के हम लोग दूसरी पहाड़ पे जाएंगे। ये सामने वाली जो पहाड़ है तो वहाँ पे जाएंगे, तो आपको शायद धूप की वजह से नहीं दिख पा रहा होगा अच्छे से। भाई लोग अभी अपन नीचे जा रहे हैं। तो भाई लोग मतलब ये काफ़ी खूबसूरत सा जगह है और ये मेरे घर से करीब 8 या 9 नहीं 12 किलोमीटर दूर है। तो हम यहाँ पे मतलब आज से करीब 3-4 साल पहले आए थे और ये आज आए हैं उतने साल के दरमियान के बाद, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मेरे मामा आए थे तो वो बोले कि चलो घूम कर आते हैं, तो एक ये भी वजह था। और अभी से हम लोग जैसे कि आज यहाँ पे हटिया है, तो यहाँ से घूम लेने के बाद हम लोग हटिया जाएंगे और फिर वहाँ पे सामान खरीदेंगे और फिर वहाँ से घर चले जाएंगे। तो भाई लोग अपन अभी बाहर यहाँ से निकल गए हैं और गर्मी थोड़ी ज़्यादा थी। और यहाँ पे जो आप ये छोटी छोटी जो टीन देख रहे हैं, तो इसमें कबूतर लोग रहते हैं, मतलब कबूतर के रखने के लिए घर बनाया गया है। और ये यहाँ योगिनी स्थान की रोड है, तो हम लोग यहाँ से अब जाएंगे दूसरे वाले पहाड़ पे। लगा दे। तो भाई लोग अभी हम ये दूसरे वाले पहाड़ पे आ गए हैं, तो ये शायद उससे थोड़ा सा ज़्यादा चढ़ना होगा क्योंकि ये ज़्यादा ऊंचा है और ये यहाँ पे दूसरा आराम करने वाला है, लेकिन हम लोग आराम नहीं कर सकते। पहली बात की टाइम नहीं है और दूसरी बात दूसरा काम भी है, तो वो भी करना होगा। और क्या है ना, ये वाला कुछ उस वाले पहाड़ से ज्यादा ऊंचा है, वहां वाला पहाड़ फटक गया और ये शायद इतनी दूरी है। ये चौथा विश्राम अवस्था है यहाँ के। और इसकी माने तो हम लोग 3277 कदम चल चुके हैं। भाई लोग यहाँ पे मतलब इधर थोड़ा सा में ये सीढ़ी नहीं है
यहाँ पे ऐसे ही चढ़ना होता है थोड़ा सा। यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा बिना सीढ़ी के हैं तो हम लोग वैसे ही चढ़े हैं। और यहाँ पे ये भोले बाबा का मंदिर है और ये बालक तिलक लगा रहे हैं। और अभी हम लोग इधर से ये घूमकर निकलेंगे। यहाँ का व्यू थोड़ा ये है ना कि यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा गैप मिलता है और हवा वाला है और इसमें मतलब गुफा जैसा उतना वो डार्क नहीं है, तो ये भी बहुत अच्छा है। और अगर आपको कभी लाइफ में मौका मिले झारखंड में आने का तो आप यहाँ पे जरूर आइएगा। ये गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और यहाँ से ये नीचे का व्यू है। और यहाँ पे हमारे मामा श्री 90 डिग्री के एंगल में सेल्फी ले रहे हैं। फोन ना फटे चाहिए, फोन फूट जाए फूट जाए आगे ना गिरे चाहिए खाली। अरे वाह। और यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है लेकिन वो सीमेंट का कुछ बन रहा है उधर से लगा मामा। और ये खजूर का पेड़ है जिसमें खजूर नहीं फलता है। मतलब यहाँ पे जितने टूटे बिछड़े नौसिखिए लोग हैं वो आकर यहाँ पे अपना टाइम पास कर सकते हैं। तो भाई लोग यहाँ का ये पूरा मतलब व्यू है और धूप के वजह से थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा। और ये मतलब एक वो वाला दूसरा पहाड़ है और इधर यहाँ पे नीचे की तरफ एक मतलब क्या ना कि बिजली का ऑफिस है तो उधर वो है। तो भाई लोग अभी हम लोग यहाँ से घर जाएंगे। चलो बच्चे चलो बैठक की कर रहे हैं। चलो चलो ये वाला गुफा उतना टफ नहीं है तो इसमें कोई भी लोग इजीली आ जा सकते हैं। तो भाई लोग हम यहाँ पे भी मतलब पूजा पाठ कर लिए और ये मतलब पूरा एरिया है यहाँ का। ये जो छोटे छोटे आपको खेत दिख रहे हैं मतलब यहाँ का जो व्यू है ना वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और ये जो आपको दिख रही है तो यहाँ पे बारकोप कॉलेज है ये। तो और यहाँ पे हम थंबनेल के लिए थोड़ा सा मतलब फ्रीज होकर खड़ा रहते हैं। अब इतने में थंबनेल आ जाएगा एक सेकंड का, वो स्क्रीन शॉट लेकर मैं वो कर देता हूँ। क्या है ना कि फ़ोटो लेने से आजकल के जो फ़ोन होते हैं तो वो फ़ोटो में खुद रेक्टिफाई करके मतलब लोगों को गोरा या काला कर देते हैं, तो उससे मुझे लगता है कि वीडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त मतलब क्लियर व्यू आती है तो हम उसी से स्क्रीन शॉट लेकर थंबनेल लगाते हैं। और ये मतलब जो होते हैं ना ज़मीन के लेवल से काफ़ी ऊँचा पे है, तो आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये जो ब्रिक्स हैं मतलब ईंट है। और तो समझ सकते हैं कि आप यहाँ पे कितने खर्च हुए होंगे कंस्ट्रक्शन में और यहाँ से ऊपर ढोकर लाना। तो भाई लोग अपन अभी यहाँ से नीचे जा रहे हैं। हाँ तो जेकर जेकर जे मोटा हुआ ज्यादा जे चाहता कि हाँ अगर चर्बी पचके मतलब। और यहाँ पे ये इतना ऊंचा है ना भाई लोग, अगर कोई कितना मोटा रहेगा दिन में सुबह शाम यहाँ पे आए जाए और चढ़े ना
तो पतले हो जाएंगे। मतलब फ्री में वो जिम और वर्कआउट करने का काम हो जाएगा। तो क्या है ना भाई लोग, हम यहाँ पे आपको एक यूनिक चीज दिखाते हैं कि मतलब ये क्या है ना कि झारखंड बिहार में ये आम बातें होती है। जैसे ये देखिए राजेश और ये शिवानी, मतलब और यहाँ पे ये चार वर्ड। मतलब यहाँ पे लोग कुछ भी करते रहते हैं। और एक यहाँ पे इसकी वजह जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, मतलब कुछ भी लोग करते रहते हैं। तो भाई लोग अभी अपन नीचे यहाँ पे उतर रहे हैं, बस अब नीचे उतर चले जाएंगे और फिर यहाँ पे कुछ खा पी कर फिर हटिया के लिए भी निकलना है। और हमारा ये जो दो पैसे का जो घड़ी है बता रहा है कि 4000 कदम चल चुके हैं। मतलब मुझे तो बिलीव ही नहीं होता इस पर कि मतलब ये सही भी बताता है या फिर वैसे ही है। तो भाई लोग अब हम लोग मतलब पहुंच गए हैं और क्या है ना ये जो शर्ट है तो दो कलर की हो गई है, तो मतलब पसीने से। तो भाई लोग अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब हम यहाँ से हटिया जाएंगे तो उसकी पार्ट टू का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। तो फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।